राजगढ़ थाना क्षेत्र से 15,000 का इनामी शातिर लुटेरा अमित को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस एवं एक चोरी की बाइक बरामद की है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए SSP शलभ माथुर ने बताया कि राजगढ़ थाना क्षेत्र में 30 सितंबर को सराफा व्यापारी को गोली मारकर 12,000 रुपया व बैग की लूट ली गई थी, जिस पर व्यापारी द्वारा कुछ लोगों पर रंजिश का आरोप लगा था, लेकिन पुलिस की जांच में मामला लूट का निकला। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई थी, जिसमें पुलिस ने अमरूद बगिया के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान अमित पुत्र विष्णु निवासी मझरिया पिस्टौली थाना खोराबार के रूप में हुई है, जबकि दो अभियुक्त फरार होने में कामयाब रहे। गिरफ्तार अभियुक्त अमित के पास से पुलिस ने एक 32 बोर का पिस्टल व दो अदद जिंदा कारतूस बरामद किया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP शलभ माथुर ने बताया। सर जरा ये सर्राफ के साथ घटना हुई थी 30 सितंबर को, संडे शाम को लगभग 9 गोली भी लगी थी। घटना वर्कआउट की मानते हैं उनकी भी शीघ्र घटनाएं थी। सितंबर की शाम की घटना थी, जहां पर एक सराफा व्यापारी जो है जब अपने घर जा रहा था तो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार द्वारा उनके ऊपर फायरिंग करके उनका झोला छीना गया था। उसके अंदर ये भी चीज़ प्रकाश में आई थी कि उनके द्वारा जो है आँख में कुछ पदार्थ डाला गया, जो कि संभवतः मिर्ची पाउडर था। इस संदर्भ के अंदर अभियोग थाना राजघाट के अंदर पंजीकृत किया गया था, और जो अभियोग पंजीकृत हुआ था उनके द्वारा ये भी बताया गया था कि उनकी रंजिश चल रही है और उनको इस चीज़ का शक है कि ये घटना वो जो उनसे जिनसे रंजिश है विपक्षी वो भी करा सकते हैं। पुलिस ने अपनी विवेचना दोनों तरीके से करते हुए लूट और रंजिश के ऊपर दोनों जो एंगल से उसके ऊपर विवेचना की, और विवेचना के अंदर ये प्रकाश में आया कि ये प्योर लूट की घटना थी और घटना का जो मुख्य अभियुक्त है अमित, इसको गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ ही अभिषेक और दुर्गेश, अभी ये दो लोग शेष हैं, और ये विवेचना के अंदर इनका नाम प्रकाश में आया था और इन तीनों के ऊपर 15,000 रुपये का इनाम भी किया गया था। और जैसा मैंने बताया, अमित को गिरफ्तार किया गया। अमित के ऊपर 14 मुकदमे इससे पूर्व में हैं, और जो निक्की दुबे है वो इसका मुकदमे में साथी रहा है, फाइली रहा है। इसके ऊपर पूर्व में लूट के, गैंगस्टर के, आर्म्स एक्ट के लगभग 14 मुकदमे पंजीकृत हैं, और इसके अंदर जो घटना में प्रयुक्त जो एक मोटरसाइकिल थी वो बरामद की गई है। इन्होंने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए ये बताया है कि ये जुआ सट्टा जो ये खेल रहे थे उसके अंदर ये जुए में पैसा हार गए थे। इस पर्टिकुलर व्यापारी की घटना से पहले इन्होंने 2 दिन पूर्व से रेकी की थी, और जब वो घर की तरफ जाता है तो वहाँ पर वो थोड़ा एक सुनसान रास्ता था, उस घटना के ऊपर इन्होंने उस पॉइंट पर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। टोटल 12,000 रुपये इस घटना के अंदर गए थे, और इस अभियुक्त को जैसा मैंने बताया गिरफ्तार कर लिया गया है, और शेष दो लोग शेष हैं उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाए। पूरा गिरोह के साथ इस लूट के घटना का अंजाम देते हैं जी, पूरे साल में अभी तो इन्होंने इसी घटना के बारे में बताया है। अभी इनको कस्टडी रिमांड पे लेके और पूछताछ की जाएगी। जो मोटरसाइकिल मिली है वो भी चोरी की मोटरसाइकिल है।